ब्लॉपंग ब्रांड की तरफ से एक नए प्रीमियम सेगमेंट के ट्रू वायरलेस ईयरबड्स लॉन्च हुए विद एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर मोड, दैट इज ब्लॉपंग मोक्षा BTW09 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। इसका लॉन्च प्राइस है 4000 रुपीज, प्राइसिंग इसके बढ़ के 4300 रुपीज के आसपास हो जाएंगे। और अगर आप एक प्रीमियम सेगमेंट का ईयरबड्स कंसिडर करना चाहते हैं 4000 रुपीज के आसपास, सो इसकी हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ग्रिलिंग करेंगे। बिल्ड क्वालिटी, साउंड बेस, कॉलिंग, गेमिंग, कितना अच्छे तरीके से इसका आउटपुट मिलने वाला है, साथ ही में जो ANC फीचर दिया गया कितना परफेक्ट तरीके से वर्क करता है सब हम देखेंगे, ताकि एंड तक पहुंचते सारी डिटेलिंग चेक करने के बाद आप डिसाइड कर पाएं कि इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं। सो होप यू लाइक दिस वन, एंड इफ यू न्यू टू आवर चैनल काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, कमेंट, शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो वी कैन मेक मोर गुड स्टफ फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे आपको ब्लॉपंग मोक्षा BTW09 ANC ट्रू वायरलेस ईयरबड्स का ऐसे बढ़िया सा आपको बॉक्स मिल जाएगा। बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे एक ब्लू डॉट ऑफ परफेक्शन का कार्ड, बैक साइड में QR कोड मेंशन किया गया, इसको आप स्कैन करके वारंटी क्लेम कर सकते हैं। साथ ही में एक ब्लॉपंग ब्रांड की तरफ से आपको ब्राउचर मिल जाएगा कौन कौन से इनके नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको डिटेलिंग मिल जाएगी, इसको भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। एक यूजर मैनुअल मिलेगी, इसमें आपको पूरी प्रॉपर डिटेलिंग मिलने वाली है प्रोडक्ट के बारे में, इसको भी आप देख सकते हैं। साथ ही में जो टच कंट्रोल्स है कैसे एक्जैक्टली वर्क करते हैं, वैसे हम सब डिटेलिंग आगे वीडियो में चेक करने वाले हैं। एंड यहाँ पे टाइप सी का चार्जिंग केबल मिलेगा, इसमें आपको कवर भी मिलने वाला है, मेरे हिसाब से अच्छा इनिशिएटिव लिया गया ब्रांड की तरफ से, ताकि जो ड्यूरेबिलिटी है केबल की आपकी अच्छी हो जाए। और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाएंगे, अपने कानों के साइज के हिसाब से यूटिलाइज कर पाएंगे। मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दिस इज द केस यू विल बी गेटिंग, ब्लॉपंग की ब्रांडिंग आपको फ्रंट में मिल जाएगी, प्रॉपर आपको मैट फिनिश का अच्छी बिल्ड क्वालिटी आप बोल सकते हैं प्रीमियम आपको केस मिल जाएगा। फ्रंट में आपको बैटरी इंडिकेटर लाइट भी मिलने वाली, इसको यूटिलाइज कर पाएंगे। बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको टाइप सी का पोर्ट मिलेगा चार्जिंग पर्पज के लिए, एंड ये कॉम्पैक्ट ही है, इसको आराम से पॉकेट में तो कैरी कर पाएंगे, पोर्टेबिलिटी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है यहाँ पे। एंड इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा, फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया, तो इसको वायरलेस भी चार्ज कर सकते हैं अपने ईयरबड से केस को, ये भी एक प्लस पॉइंट है ईयरबड्स के थ्रू। एंड अगर हम केस को ओपन करेंगे, दोनों ही बड्स प्रॉपर तरीके से पैक्ड है, लेफ्ट राइट साफ साफ मेंशन किया गया है, बीच में आपको रीसेट का बटन भी मिल जाएगा, इससे आप रीसेट कर सकते हैं। एंड जो केस का लॉक है बिल्कुल आपको प्रॉमिसिंग मिलने वाला, ऑटोमेटिक बंद नहीं होता। एंड इसमें आपको प्रॉपर मैग्नेट्स भी मिल जाएंगे, गिरने के बिल्कुल चांसेस नहीं ईयरबड्स के केस के अंदर से। और इसमें आपको ब्लिंक पेयर टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, फॉर एग्जांपल अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन स्टैब्लिश कर चुके हैं, सिंपली आप ईयरबड से केस को ओपन करेंगे, आप देख सकते हैं कितना फास्ट तरीके से ये लास्ट पेयर डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है। एंड वापस आप ईयरबड से केस को बंद करेंगे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लग सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डिस्कनेक्शन भी हो जाएगा। इसका ब्लिंक पेयर टेक्नोलॉजी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वर्क करता है, उसको लेकर दिक्कत नहीं लगी। एंड बड्स यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रॉपर इंडिया डिजाइन के, थोड़े यूनिक लुक एंड फील के आपको ईयरबड्स मिल जाएंगे, ब्लॉपंग की ब्रांडिंग दोनों में ही लगी हुई है, लेफ्ट राइट भी साफ साफ मेंशन किया गया, ताकि आपको दिक्कत फेस ना उसको यूटिलाइज करने में। एंड जो बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हैं, प्लास्टिक क्वालिटी, इसका लुक एंड फील, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, काफी आपको प्रीमियम सेगमेंट के ईयरबड्स भी मिल जाएंगे। एंड अगर आप प्रॉपर ईयरकप्स लगाएंगे अपने कानों के साइज के हिसाब से उसको यूटिलाइज करेंगे, लुक एंड फील भी बढ़िया प्रोवाइड कर रहा है, मैक्सिमम बैकग्राउंड की नॉइस भी कैंसिल कर रहा है बिना ANC ऑन किए। एंड इसको आप डेफिनेटली अगर वर्कआउट भी करते हैं, रनिंग करते हैं, मैंने बहुत कोशिश करी प्रॉपर ईयरकप्स लगा के, बिल्कुल ये बिल्कुल सिक्योर टाइट फिट आपको कानों में प्रोवाइड कर देंगे। टच कंट्रोल्स आते हैं इसमें, कैसे एक्जैक्टली वर्क करते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकेशंस में आपको मिलने वाला है यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन 5.2, IPX5 वाटर एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट फीचर, 10mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, ब्लिंक पेयर टेक्नोलॉजी, फुल टच कंट्रोल्स के साथ ही आता है। टोटल आपको 6 माइक्स का सेटअप मिल जाएगा, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर मोड, एम्बिएंट मोड के साथ ही आता है। एंड इसमें आपको 7 से 8 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज, और डिपेंड करता है ANC के साथ म्यूजिक सुनते हैं बिना ANC के म्यूजिक सुनते हैं। टोटल आपको मैसिव 60 आवर्स का प्ले टाइम मिल सकता है विद अ चार्जिंग केस। टर्बो वोल्ट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, 10 मिनट के चार्जिंग में आपको नियरली 4.5 आवर्स तक का प्ले टाइम मिल सकता है विद दिस ईयरबड्स। वायरलेस चार्जिंग भी इसमें आपको मिल जाएगा, काफी आपको एनहांसमेंट मिलने वाली है बैटरी पार्ट को लेके। सो यार देखा जाए इसकी जो प्रीमियमनेस है उससे लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, बिल्ड क्वालिटी आपको बढ़िया मिल जाएगी, कानों में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो ईयरबड्स है पैक भी होते हैं, अच्छा डिजाइन भी दिया गया है, स्पेसिफिकेशन भी आपको काफी हद तक बढ़िया मिलने वाले हैं। और अगर हम बात करेंगे टच कंट्रोल्स की, इसमें आपको मिलने वाला है फुल टच कंट्रोल्स, कैसे एक्जैक्टली वर्क करते हैं ओवरव्यू आप ले लीजिए। अगर आप किसी भी ईयरबड को सिंगल टैप करेंगे तो म्यूजिक पॉज होगा, फिर से अगर आप सिंगल टैप करेंगे किसी भी ईयरबड को तो म्यूजिक प्ले होगा। लेफ्ट ईयरबड को अगर आप डबल टैप करेंगे तो ये प्रीवियस ट्रैक पे जाएगा, एंड अगर आप राइट ईयरबड को डबल टैप करेंगे तो ये नेक्स्ट ट्रैक पे जाएगा। एंड अगर आप लेफ्ट ईयरबड को ट्रिपल टैप करेंगे, ट्रिपल टैप करते रहेंगे तो वॉल्यूम जो है डिक्रीज होती जाएगी। एंड अगर आप राइट ईयरबड को ट्रिपल टैप करते रहेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होती जाएगी। एंड अगर आपका म्यूजिक पॉज है, अगर आप किसी भी ईयरबड को डबल टैप फिर से करेंगे तो वॉइस असिस्टेंट फीचर है वो एक्टिवेट हो जाएगा, उस हिसाब से आप कमांड्स दे सकते हैं। एंड किसी का कॉल आ रहा है एक्सेप्ट करने के लिए, सिंगल टैप करेंगे किसी भी ईयरबड को तो कॉल एक्सेप्ट हो जाएगा। ऑनगोइंग कॉल को रिजेक्ट करने के लिए फिर से सिंगल टैप करेंगे किसी भी ईयरबड को तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। एंड किसी का कॉल आ रहा है आपको डायरेक्टली रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है। डबल टैप करेंगे किसी भी ईयरबड को तो कॉल डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा।
और अगर आप किसी भी ईयरबड को लॉन्ग प्रेस करेंगे 2 सेकंड्स के लिए, तो इसमें अलग अलग मोड्स दिए गए हैं, एएनसी मोड, ट्रांसपेरेंसी मोड और नॉर्मल मोड। 2 सेकंड्स के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्विच होते आएंगे। 2 सेकंड्स के लिए अगर आप किसी भी ईयरबड को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो एएनसी मोड में जाएगा, फिर 2 सेकंड्स के लिए लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी मोड में, और ये नॉर्मल मोड में एंटर कर जाएगा। और अगर हम मेन बात करेंगे इसके जो फीचर दिया गया है, एएनसी फीचर, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर, यह बहुत ही परफेक्ट तरीके से वर्क करता है। अगर आप नॉर्मल मोड में भी सुनेंगे, अगर आप प्रॉपर ईयरकप्स लगाएंगे कानों को, बिल्कुल ये परफेक्ट तरीके से पैक करते हैं, मैक्सिमम बिना एएनसी के भी ये काफी तक बैकग्राउंड नॉइस कैंसिल कर देंगे। एएनसी मोड अगर आप ऑन करेंगे तो यह काफी हद तक बैकग्राउंड नॉइस कैंसिल कर देंगे। आप बोल सकते हैं 90% तक बैकग्राउंड नॉइस कैंसिल कर देंगे। अगर आपके सामने आके कोई बोलेगा तभी आपको एक्जैक्टली पता लगेगा क्या वो बोल रहा है। इसके जो एएनसी फीचर है उसको लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। अगर आपको परफेक्ट एएनसी फीचर वाले ट्रू वायरलेस ईयरबड्स चाहिए, इसको आप डेफिनेटली अच्छे एएनसी के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी मोड भी इसका सही तरीके से वर्क करता है, काफी हद तक बैकग्राउंड नॉइस पकड़ लेता है ट्रांसपेरेंसी मोड, उसको लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। और अगर हम बात करेंगे इसे गेमिंग एक्सपीरियंस की, हालांकि इसमें आपको ऐसा कोई डेडिकेटेड गेमिंग मोड तो नहीं मिलने वाला है, मैंने फ्री फायर खेला था 1+9R में, आप वो देख लीजिए गेमिंग टेस्ट, ताकि आपको अंदाजा लग जाएगा इससे आपको गेमिंग एक्सपीरियंस कैसे मिलने वाला है। यार इसमें आपको ऐसा कोई डेडिकेटेड गेमिंग मोड तो नहीं दिया गया है, मैंने 1+9R में फ्री फायर खेला था और इसमें आपको ना थोड़ी बहुत लेटेंसी देखने को मिल सकती है। डेडिकेटेड गेमिंग मोड में देते ज्यादा बेटर रहता, लेकिन हाँ अगर आप नॉर्मल गेम्स खेलते, ज्यादा हैवी गेम्स नहीं खेलते तो ऑप्शन में रख सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आप हैवी गेम्स खेलते हैं, हार्डकोर गेमर हैं, तो आपको साफ साफ थोड़ी बहुत लेटेंसी देखने को मिलेगी। इसमें आपको डिसेंट गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत ज्यादा परफेक्ट गेमिंग एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। अब हम बात करेंगे मेन साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी की। इसमें आपको मिलने वाला है 10mm का डायनेमिक ड्राइवर्स। लाउडनेस यार इसमें आपको थोड़ी बहुत एडिकेट मिलने वाली है, मेरे को लगा थोड़ी बहुत और लाउडनेस देनी चाहिए थी, लाउडनेस आपको एडिकेट मिल जाएगी। फुल वॉल्यूम पे आप डेफिनेटली सुन पाएंगे, ऐसा कोई डिस्टॉर्शन मुझे फील नहीं हुई, लेकिन हाँ जो रिचनेस है इसके जो वोकल्स को लेकर, ट्रेबल्स भी आपको प्रॉपर मिल जाएंगे। अगर आपको डिटेलिंग चाहिए म्यूजिक पार्ट को लेकर एडिकेट लाउडनेस के साथ, अगर आप मेनली सॉफ्ट म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, अगर आप बिल्कुल बोलते हैं कि हाँ आपको सॉफ्टनेस चाहिए म्यूजिक पार्ट को लेकर, बहुत ज्यादा लाउडनेस नहीं चाहिए, तो इसको आप डेफिनेटली सॉफ्ट म्यूजिक के लिए अच्छे आउटपुट के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं। बात करेंगे बेस की, बेस इसमें आपको अच्छा डिसेंट सराउंडिंग बेस इफेक्ट्स मिल जाएगा, बहुत ज्यादा पावरफुल बूस्टेड बेस नहीं है, लेकिन हाँ आपको प्रॉपर जो पंचनेस बोलते हैं ना सराउंडिंग, आपको प्रॉपर बेस इफेक्ट्स मिलने वाले हैं। प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसका बेस और म्यूजिक एक्सपीरियंस काफी हद तक जस्टिफाई करता है। बात करेंगे कॉलिंग की, इसमें आपको टोटल 6 माइक्स मिलने वाले हैं, 3-3 माइक्स आपको मिल जाएंगे दोनों ही ईयरबड्स में। मैंने अपनी वाइफ से बातें की थी आउटडोर कंडीशन में, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा इससे आपको कॉलिंग एक्सपीरियंस कैसे मिलने वाला है। हेलो, हाँ दीक्षा क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस किचन में थोड़ा सा काम कर रही थी। अच्छा अच्छा, अरे अभी मेरे पास ना ब्लॉकपंक की तरफ से एक मोक्षा BTW09 ENC ईयरबड्स आए हुए हैं। हाँ। मैं अभी उनसे लगा के आउटडोर कंडीशन में बात कर रहा हूँ तुमसे। हाँ। मेरी आवाज कैसी आ रही है? आवाज तो सही आ रही है, मतलब लाउडनेस अच्छी खासी आ रही है। लाउडनेस अच्छी है आवाज में? हाँ, आवाज में लाउडनेस अच्छी है। अब ये बैकग्राउंड में जो एक्टिविटीज हो रही है, यहाँ पे विंड काफी हवा में चल रही है, उसके बाद आ रही है? हाँ, बैकग्राउंड की एक्टिविटी पता चल रही है, विंड की अभी इतनी पता चल रही है। हाँ, लेकिन जो बैकग्राउंड में एक्टिविटी हो रही है वो पता चल रही है, और विंड की हल्की हल्की हल्का हल्का सा समझ में आ रहा है कि हल्की सी विंड चल रही है। अच्छा। हाँ। तो मेरी आवाज पे कितना परसेंट फोकस बोल पाओगे आप? आपकी आवाज 80% फोकस्ड है। अच्छा अच्छा, ठीक है दीक्षा, थैंक यू। ओके बाय। यार कॉलिंग इसमें काफी तक आपको इंप्रेसिव मिलने वाली है, इंडोर कंडीशन में ऐसा कोई दिक्कत फेस नहीं होगी। मेरी वाइफ बोली थी लाउडनेस आपको बढ़िया मिलने वाली ईयरबड्स के थ्रू, सामने वाला फोकस ले आपको सुन पाएगा जब भी आप बात करेंगे। आउटडोर कंडीशन में आप बोल सकते हैं 20-30% बैकग्राउंड की एक्टिविटी से पकड़ लेता है, उसको विंड नॉइज थोड़ी पता चल रही थी और जो बैकग्राउंड में एक्टिविटीज हो रही थी वो भी पता चल रही थी हल्की फुल्की, लेकिन जब मैं बात कर रहा था 70-80% मेरी आवाज से बिल्कुल फोकस था। इसको आप डेफिनेटली अच्छी कॉलिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं, लेकिन आउटडोर कंडीशन में ध्यान रखिएगा थोड़ी बहुत ही बैकग्राउंड की नॉइज भी पकड़ लेता है, लेकिन लाउडनेस इससे आपको कॉलिंग के टाइम में बढ़िया मिलने वाली है। अब हम करेंगे रेटिंग साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी को आउट ऑफ 10। सो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 8.5 out of 10, मैं बेस क्वालिटी दूंगा 8 out of 10, और मैं कॉल क्वालिटी को भी दूंगा 8 out of 10। दीस आर द रेटिंग्स अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ दिस ईयरबड्स, अप्रॉक्सिमेटली 4,000 rupees। सो घूम फिर के अगर आपको एक प्रीमियम सेगमेंट का, अगर आपको एक एएनसी फीचर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वर्क करने वाला आपको ईयरबड्स चाहिए, एएनसी फीचर को लेके, बिल्ड क्वालिटी को लेके, इसके सिक्योर फिट को लेके मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, अगर आपको इसका जो ईयरबड्स का डिजाइन है काफी अच्छा दिया गया है, इस टाइप के अगर आपको ईयरबड्स चाहिए, फिटिंग बढ़िया मिल जाएगी, एडिकेट आपको लाउडनेस मिल जाएगी, बेस आपको प्रॉपर सराउंडिंग मिल जाएंगे, अच्छी आपको पंचनेस मिल जाएगी, सॉफ्ट सॉफ्ट गेमिंग इसमें आपको डिसेंट मिलने वाली है, कॉलिंग इसमें आपको काफी अलग इंप्रेसिव मिल जाएगी। सो मेरे हिसाब से ब्लॉकपंक ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है प्रीमियम सेगमेंट के ट्रू वायरलेस ईयरबड्स लॉन्च करके, मैंने आपको सब प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हैं, अब आप पे डिसीजन मैटर करता है। मैंने सारे के सारे पॉसिबल लिंक्स भी दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में, वहां पे जाके आप चेकआउट करके उसको ग्रैब कर सकते हैं। कुछ भी अभी भी दिक्कत है, आपको कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट।
So this was all about the unboxing, reviews, ratings, calling test and gaming test of the recently launched Blaupunkt Moksha BTW09 ANC True Wireless Earbuds. Hope you like this one, and as I told you, if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. So thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.